लाचार लोकतंत्र। 21वीं सदी के 21वें वर्ष के शुरुआती हफ्तों में विश्व भर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर ये अनुमान लगाना ज्यादा कठिन नहीं होगा कि लोकतंत्र लाचार होता जा रहा है। फिर चाहे वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रशिया हो या सुपर पावर की हुंकार भरने वाला विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र में से एक संयुक्त राज्य अमेरिका हो या प्राचीन काल से विश्व गुरु की ख्याति पाने वाला भारत ही क्यों न हो। शुरुआत करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से, जहां वाशिंगटन डीसी स्थित 6 जनवरी को सत्ता परिवर्तन से मात्र 2 सप्ताह पूर्व डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों ने लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले कैपिटल हिल बिल्डिंग में भारी उपद्रव कर संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया। इस घटना से जहां 5 लोगों की मृत्यु हुई, वहीं दूसरी ओर दर्जनों लोग इसी घटना में गंभीर रूप से घायल हुए। अमेरिका के लोकतंत्र में ये एक काला दिन साबित हुआ। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं रशिया की, जहां बीती कुछ हफ्तों से एंटी पुतिन आंदोलन शुरू हो गया है। गौरतलब है कि व्लादिमीर पुतिन के इकलौते विपक्ष अलेक्जी नवेलनी की गिरफ्तारी के आदेश दिए, परिणाम स्वरूप अलेक्जी नवेलनी की रिहाई की गुहार लगाते हुए लोगों का पुलिस के साथ भारी बल प्रयोग हुआ। तकरीबन 4,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया। देश के अलग अलग कोनों से एंटी पुतिन प्रोटेस्ट की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। अगली खबर का रुख करते हुए बात करते हैं भारत के गणतंत्र दिवस की, जिसे भारतीय लोकतंत्र की नज़र में एक काला दिन के रूप में देखा जाने लगा है। बीते तकरीबन 60 दिनों से दिल्ली से सटी सीमाओं पर नए कृषि कानून के विरोध में देश भर के किसान संगठन शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर ट्रैक्टर रैली निकालने की मांग पेश की गई, जिसे शुरुआती अड़चन के बाद मंजूरी दे दी गई। हालांकि किसानों द्वारा दिल्ली पुलिस के दिए गए रूट को डायवर्ट कर लाल किले पर भारी उपद्रव की तस्वीरें सामने आई। लाल किले पर पहुंच भारी भीड़ द्वारा सिख धर्म का झंडा लगाए जाने का मामला सामने आया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी के अलग अलग इलाकों से भारी उपद्रव की तस्वीरें सामने आई। बीती 12 महीनों में राजधानी की सड़कें बार बार खून से रंग गईं। देश के कोने कोने से लाल किला पर समुदाय विशेष का झंडा फहराया जाने की घटना को गलत बताया जा रहा है और इस भीड़ को खालिस्तानी आतंकवादी के रूप में देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सिख समाज द्वारा इस घटना को मौजूदा हुकूमत के अत्याचारों के विरुद्ध इनकलाब के रूप में देखा जा रहा है। गौरतलब है सिख क्रांतिकारियों और योद्धाओं ने क्रूर एवं निर्दयी मुगल शासकों से ब्रिटिश साम्राज्य तक अपने पराक्रम का लोहा मनवाया है। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सिख सैनिकों ने जर्मनी से विश्व युद्ध जीतने में अहम भूमिका निभाई। विश्व के वैभवशाली राष्ट्रों से जो गृह युद्ध की तस्वीरें सामने आई हैं, उनसे देश की आंतरिक सुरक्षा कमजोर होती है। अपने पड़ोसी और दुश्मन देशों के साथ निपटाने से पूर्व इन लोकतांत्रिक देशों को अपने अंदरूनी ढांचे को और मजबूत करने की जरूरत है।